अभी तक हम लोग मैट्रिक्स का जोड़ घटाव और गुना सीख लिए हैं, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। इसमें कुछ डाउट्स होंगे तो पहले आज कुछ और सीख लेते हैं, फिर सभी डाउट सेशन एक बार कर देंगे। इसमें आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इन सब के बारे में। उसके बाद अभी कुछ क्वेश्चन थे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में, वर्ड प्रॉब्लम था, और भी कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, उन सबको एक ही साथ हम इसको पहले समझा दें, इसके बाद हो जाएगा। तो जब ये हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद किताब में देखिएगा कि एक होगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेटर रहेगा उसको भी अभी देखें या फिर डिटरमिनेंट के बाद, क्योंकि उसमें थोड़ा डिटरमिनेंट का प्रोसेस लगेगा। इसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा किताब में डिटरमिनेंट, और फिर उसके बाद से है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में फिर से हमारे पास होगा इसके बाद जॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद होगा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, इसको आराम से देखते हैं, घबराते नहीं हैं। अब तक क्वेश्चन बनाते रहिए, और क्वेश्चन जो पूछते हैं आप लोग तो उसमें किस बुक का सिर्फ क्वेश्चन नंबर दे देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन किस बुक का है ये बता दीजिए। मैं ख्याल से आप लोग शायद NCERT का ही क्वेश्चन पूछते हैं, खैर बता दिया जाए। देखिए सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यह क्या चीज है। तो लेट ए एनी मैट्रिक्स ए डैश, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे इसको कहीं कहीं कंजुगेट भी करते हैं, और ज्यादा यही ठीक रहेगा, ए डैश या ए टी, ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डेफिनेशन नहीं है, तो सिंबल है कि ऐसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। है क्या चीज, अगर हम लोग यह एक मैट्रिक्स ले लें तो फॉर ट्रांसपोज रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। मतलब इसका ये रहा, जब हम इसके ट्रांसपोज को लिखेंगे तो इसका जो पहला रो है, रो बन जाएगा कॉलम, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, रो बन जाएगा कॉलम, कॉलम बन जाएगा रो। तो इसका जो ऑर्डर है 3 × 2, तीन रो दो कॉलम, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो करना कुछ नहीं है, उसके रो को कॉलम में
और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। तो किसी मैट्रिक्स का जो रो रहेगा वो ट्रांसपोज में कॉलम हो जाएगा, और जो कॉलम रहेगा वो ट्रांसपोज में रो हो जाएगा। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। हम यह देख रहे हैं कि ये वाला सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, A11, A12, A13, 2-1, 3-1, 3-3। सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो भी है, वह चेंज हो गया ट्रांसपोज में। और दूसरा केस, जो किसी मैट्रिक्स में ये पोजीशन हमारा है A12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वह ट्रांसपोज में कहाँ चला जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी A21 पर। A12 वाला आ जाएगा A21 पर। A31 चला जाएगा A13 पर। यानी जो भी है A12 पर वह चला जाएगा A21 पर, जो A13 पर है वह चला जाएगा A31 पर। इसका मतलब अब हम लिखते हैं डेफिनेशन ट्रांसपोज का। लेट AIJ M×N be the element of matrix A। यह किसी मैट्रिक्स A का एलिमेंट है। तो A12 ट्रांसपोज में आ गया A21 पर, यानी AIJ ट्रांसपोज में बन जाएगा JI, और जो 3-2 है ट्रांसपोज में हो गया 2-3, यानी M×N इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज। ये हुआ ट्रांसपोज के बारे में डेफिनेशन, वो तो समझाने का तरीका हुआ। AIJ M×N, यानी यह रहा किसी मैट्रिक्स A का एलिमेंट है। तो AIJ जो यहाँ 1-2 था, JI यानी 2-1, और M×N बन जाएगा N×N। यह कहलाएगा मैट्रिक्स ट्रांसपोज का, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज का जो है। अब आगे हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी याद रखेंगे, आगे इस्तेमाल होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर वही हो जाता है, करके देख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेकर किसी नंबर से इंटू करें या इंटू कर ट्रांसपोज ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्स को आपस में पहले ऐड कर दें फिर ट्रांसपोज लें, या अलग अलग ट्रांसपोज लेकर ऐड करें, दोनों बात हमारा सेम ही रहेगा। चौथी बात, दो मैट्रिक्स को पहले सब्ट्रैक्ट करें फिर ट्रांसपोज लें, या ट्रांसपोज लेकर सब्ट्रैक्ट करें, दोनों बात हमारा सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और चौथी, पांचवी और आखिरी बात, जब मल्टीप्लाई कर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, रिवर्सल लॉ। A×B का ट्रांसपोज ये अलग अलग करने पर बी बाद वाला पहले और ए वाला बाद, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने भी रहेंगे ये चेंज हो जाएंगे।
ये कहलाता है रिवर्सल लॉ। इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं, ये रहा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या चीज है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, कैसा है उससे कोई मतलब, कोई भी एक मैट्रिक्स है। इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी हो जाए तो ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में यदि उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो हम लोग उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे एक क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा थ्रू एज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसे हम लोग ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए इसमें इसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा तब ये कहला जाएगा हमको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखते हैं, अब ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, दोनों बात सेम चीज। इसमें इसके ट्रांसपोज से इंटू किया तो पहले हमने ए लिख दिया ऑर्थोगोनल के लिए, अब हमने ए का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन वन हो जाएगा। फॉर्मूला से लिख देते हैं कॉस स्क्वायर कॉस इंटू कॉस प्लस फिर कॉस इंटू माइनस साइन प्लस साइन इंटू कॉस फिर माइनस साइन इंटू कॉस सेकेंड रो प्लस कॉस इंटू साइन फिर माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस कॉस। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका वैल्यू वन, इसका वैल्यू वन, बाकी कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया आइडेंटिटी। इस कारण ये हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये थ्योरी रहा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आगे भी इसका इस्तेमाल होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें या ट्रांसपोज में उससे मल्टीप्लाई कर दें दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा आइडेंटिटी, तो वो कहलाएगा हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी के साथ एक हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
पहले एग्जांपल से देखा जाए। एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल लेते हैं 5 7 9 7 2 8 9 8 3। चलो इसका ट्रांसपोज ले लो। तो पहले रो का को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तीसरे को तीसरे कॉलम में। ध्यान दिया जाए, क्या ए और ए का ट्रांसपोज दोनों सेम है? तो ये हमारा कंडीशन हुआ फॉर सिमेट्रिक, यानी किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम लोग उसको उसके ट्रांसपोज के बराबर कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम लोग उसको उसके ट्रांसपोज के बराबर कर देंगे, लेकिन यह डेफिनेशन नहीं है। अब सोचो, पहले अगर हम एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो क्या ये दोनों सेम होता? कभी नहीं होता, क्योंकि यह रेक्टेंगुलर है, कभी नहीं सेम होता। तो सिमेट्रिक होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि ये कभी भी रेक्टेंगुलर सिमेट्रिक नहीं हो सकता। और दूसरी घटना, जरा ध्यान दीजिए कि ये रो बन रहा है कॉलम और दोनों सेम हो जा रहा है, यानी ये यहाँ आके दोनों सेम। ये तभी होगा जब यह दोनों एलिमेंट सेम रहेगा, यानी ये वाला सेम, ये वाला एलिमेंट सेम और ये वाला एलिमेंट सेम रहेगा। डायगोनल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों सेम, मतलब A12 बराबर A21, यह दोनों सेम यानी A13 बराबर A31, यह दोनों सेम A23 बराबर A32, और ऑर्डर सेम, ऑर्डर स्क्वायर होना चाहिए। तो डेफिनेशन, लेट ए आई जे एम इंटू एम, ध्यान दें ऑर्डर स्क्वायर है, इज कॉल्ड इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, स्क्वायर तो है ही, क्या बोले थे हम, यह दोनों सेम, यह दोनों सेम यानी A12 बराबर A21, A13 बराबर A31, यानी Aij बराबर Aji फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ing, यानी Aij बराबर Aji, आई जे के किसी वैल्यू के लिए, यहाँ कोई भी नंबर रखेंगे 12 बराबर A21, 15 बराबर A51, A32 बराबर A23, जो भी आई जे का, फॉर ऑल वैल्यू आई जे के किसी भी नंबर के लिए यह दोनों एलिमेंट सेम रहेगा, तभी यह कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम ये दिखाएंगे या यह दिखाएंगे, लेकिन जब कोई पूछेगा डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमारा ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब आ जाइए
स्क्यू सिमेट्री पर। पहले एक एग्जांपल लिया जाए। अब ये न पूछिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम होते हैं, ये जरूरत नहीं, जीरो होंगे ये जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी है ये बताया जाएगा बाद में। हमने एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए, कोई मैट्रिक्स है इसका यह एलिमेंट है। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर सारा एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, माइनस सेवन माइनस फाइव जीरो प्लस एट सेवन माइनस एट जीरो, ये हो जाएगा। तो ऐसा होने पर हम लोग देखे कि ये दोनों सेम रहा, यानी हमने देखा ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, या यह भी कह सकते हैं ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का निगेटिव उसके बराबर हो गया। तो ये हमारा कहलाएगा कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो सिमेट्री की तरह इसको भी स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर होना कंपलसरी है, लेकिन साथ में यहाँ पर डायगोनल जीरो जीरो होगा वो बात नहीं है, वो एज ए क्वेश्चन आएगा। ये दोनों सेम लेकिन चिन्ह बदला हुआ, यह दोनों सेम लेकिन चिन्ह बदला हुआ, यह दोनों सेम लेकिन साइन बदला, यानी यह दोनों सेम लेकिन साइन चेंज, यह दोनों सेम लेकिन साइन चेंज, यह दोनों। तो यही डेफिनेशन में ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाएगा, यानी हम लोग इसी के ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी में आगे बढ़ा सकते हैं स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे बराबर माइनस ए जे, ध्यान दें ए वन टू बराबर माइनस ए टू वन, ए वन थ्री बराबर माइनस ए थ्री वन, ये हमारा रहा। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जब कहेगा प्रूव करिए दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो बता दिए, जब कहेगा प्रूव करिए दिया गया मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो यह शो करेंगे या ये शो कर देंगे, ये दोनों दिखा देंगे ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, दोनों में से कुछ भी कर देंगे तो यह हमारा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज इसको समझें।